ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड 18वां अध्याय। श्री वन के समीप यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों का ग्वाल वालों सहित श्री कृष्ण को भोजन देना तथा उनकी कृपा से गोलोक धाम को जाना। श्री कृष्ण की माया से निर्मित उनकी छायामयी स्त्रियों का ब्राह्मणों के घरों में जाना तथा विप्र पत्नियों के पूर्व जन्म का परिचय। नारद जी बोले, मुनिश्रेष्ठ ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान कराइए। भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल वालों को साथ ले श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौओं के साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे यह हितकर तथा सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, बालको जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहाँ जाओ, जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निष्पृह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, हे प्रवरों, हमें शीघ्र भोजन दीजिए। परंतु उनमें से कुछ द्विजों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों ही खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए, जहाँ ब्राह्मणियाँ भोजन बना रही थीं। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कराते हुए मुखारविंद से आदरपूर्वक पूछा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, समझदार बालको, तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे नाम क्या हैं। हम तुम्हें व्यंजन सहित नाना प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध एवं हृष्ट पुष्ट बालक प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। बालकों ने कहा, माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है, हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वन के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, यह शीघ्र हमें इसी समय बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियाँ हर्ष से खिल उठी, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों का दर्शन हो। उन्होंने सोने चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नतापूर्वक भांति भांति के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अगहनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया।
वे मन ही मन नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायणा थीं, इसीलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे थे, अतः तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रही थी। श्यामंग किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीतांबर से वे बड़े सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मुस्कान खेल रही थी। शांत स्वरूप राधाकांत बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे तथा रत्न निर्मित दो कुंडलों से उनके गंड स्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय कैयूर और कंगन तथा पैरों में रत्न निर्मित नूपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गले में आजानुलंबिनी शुभ्र रत्न माला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्ष स्थल दोनों सुशोभित थी। चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्रीअंग चर्चित थे। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने ही योग्य था। सुंदर लाल रंग के ओट पके बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ते धारण किए थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। कानों के मूल भाग में दो कदंब के फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे परात्पर परमात्मा योगियों के भी ध्यान में नहीं आने वाले हैं, तथापि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा शिव धर्म शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, भगवान आप स्वयं ही पर ब्रह्म परम धाम निरीह अहंकार रहित निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार हैं। आप ही सबके साक्षी निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीन देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्वबीजमय अंश हैं। परमेश्वर जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व निवास करता है, वे महाविराट महाविष्णु हैं और प्रभु आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सबसे परे हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है? सृष्टि के सूत्रभूत जो महतत्व आदि एवं पंच तन्मात्राएँ हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप संपूर्ण शक्तियों के बीज तथा सर्वशक्ति स्वरूप हैं, समस्त शक्तियों के ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सब शक्तियों के आश्रय हैं। आप निरीह स्वयं प्रकाश सर्वानंदमय तथा सनातन हैं। अहो आकारहीन होते हुए भी आप संपूर्ण आकारों से युक्त हैं। सब आकार आपके ही हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानते हैं तो भी इंद्रियवान नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्व का निरूपण करने में सरस्वती जड़वत हो जाती हैं, महेश्वर शेषनाग धर्म और स्वयं विधाता भी जड़तुल्य हो जाते हैं। पार्वती लक्ष्मी राधा एवं वेद जननी सावित्री भी जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं, फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं? प्राणेश्वरेश्वर हम स्त्रियाँ आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं? देव हम पर प्रसन्न होइए, दीन बंधो कृपा कीजिए। यों कह सब ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणार विंदों में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणार विंदों में पड़ी देख श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्तिभाव से इस प्रकार बोली। द्विज पत्नियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, अतः आप हमें अपना दास भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव, हम प्रतिक्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभो, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। द्विज पत्नियों की यह बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। तदनंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्र पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के ही खंभों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वह और भी उज्ज्वल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चमर लगे हुए हैं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला वह विमान बड़ा मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे खड़े हैं। उन पार्षदों ने पीतांबर पहन रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत नूतन यौवन से संपन्न श्याम कांति वाले परम मनोहर दो भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी हैं। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोर पंख और गुंजा की माला से आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतर कर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्री हर को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल देवी गोपी हो गईं। तत्पश्चात श्री हर ने वैष्णवी माया द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब ओर उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दीं। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनयपूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही हैं। तप, जप, व्रत, ज्ञान, वेद अध्ययन, पूजन, तीर्थ स्नान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है? जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा? जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हैं, उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है? जिसने समुद्र को पी लिया, उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है? ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामिनियों को साथ ले हर्षपूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, ऋषि इंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है?
पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थीं और किस दोष से इस भूतल पर आई थीं? मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, नारद, वे देवियां सप्तऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया, इससे सप्तऋषियों में अंगिरा को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी यौन में जाने का शाप दे दिया। ये सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग न करें, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मन को दया आ गई, वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी यौन में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी, फिर श्रीहरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतएव यह मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुईं और श्री हरि को भक्तिभाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गईं। निश्चय ही उनका श्राप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पत्नियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भावबंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की यह मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इसे सुनने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती है। भला श्रेय अर्थात कल्याणमयी कथा के श्रवण से कौन तृप्त होता है? मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, कृपा निधान जगतगुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीलाएं सुनी हैं वे सब मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, देवऋषि का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्य अन्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्म खंड 18वां अध्याय संपूर्ण। जय राधा माधव।